नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने बीए सेमेस्टर टू की क्लासेस कंटिन्यू करें, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में जो रिलेटेड है गर्भपात से, यानी कि मिसकैरेज से। अभी तक हम लोगों ने प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके द्वारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। अगर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना हो, यानी कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में किस तरीके से जो गर्भवती स्त्री है उसका ध्यान रखा जाता है। और फिर उसके बाद एक ऐसी घटना आ सकती है कभी कभी गर्भवती स्त्री के महिला लाइफ में कि उसे गर्भपात की स्थिति से गुजरना पड़ता है, यानी कि कभी कभी प्रेगनेंसी में अचानक कोई घटना घट जाए या फिर कोई भी इंसिडेंट हो जाए जिसके कारण जो गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाती है, या कई कारणों से हो सकते हैं। तो यह ऐसा किस तरीके से होता है या कितने टाइप से हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गर्भपात क्या होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गर्भधारण के पहले 20 हफ्ते, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यानी कि जो स्टार्टिंग के फेज़ होते हैं प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से, प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के 20 हफ्ते होते हैं, उन हफ्तों में गर्भावस्था के अप्रत्याशित अंत, यानी कि अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग यानी कि ख़त्म होना, यानी कि जो गर्भावस्था होती है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हो जाती है। सिर्फ इसलिए इसे गर्भपात कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने गर्भावस्था को, यानी कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है, उसको आगे जारी न रखने के लिए कुछ कदम उठाएं। अधिकांश जो गर्भपात यानी कि मिसकैरेज होता है आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं, यानी कि जो मोस्टली गर्भपात हो जाता है, यानी कि जो मोस्टली मिसकैरेज होता है, वो या तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है, यानी कि या तो कोई खुद करवाता है या फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाता है, यानी कि कुछ कारणों से भी हो सकता है, क्योंकि भ्रूण का बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी किसी भी कारण से, या तो मान सकते हैं उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सप्लाई नहीं मिल पा रही है, या फिर फूड नहीं मिल पा रहा, या फिर वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, तो कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो भ्रूण है इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसका विकास रुक जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। और जब किसी भी भ्रूण की वृद्धि या विकास रुक जाता है तो उसका बढ़ना बंद हो जाता है। और अगर भ्रूण का बढ़ना बंद हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो गई है। अब या तो कई लोग इसे खुद करवाते भी हैं या फिर ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो गर्भपात होता है यह कितने टाइप से हो सकता है। हम लोग आगे बात करते हैं गर्भपात के प्रकार। गर्भपात यानी कि जो मिसकैरेज होता है, इसके निदान की मदद से गर्भपात के प्रकार की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला टाइप होता है मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड इस गर्भपात के बारे में, यानी कि जब मिस्ड मिसकैरेज टाइप का गर्भपात हो जाता है तो इसके बारे में महिला को कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी कि मिस्ड यानी कि पता भी ना चले। जैसे मिस कॉल आता है फ़ोन में, हमें पता भी नहीं चलता फ़ोन में कब कॉल आया, यानी कि हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो उसी प्रकार का ये जो मिसकैरेज होता है, इसमें महिला का गर्भपात गिर चुका है, यानी कि जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा है उसका अंत हो चुका है, लेकिन महिला को पता भी नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में जो मिसकैरेज कहते हैं उसे कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज। लेकिन एक अल्ट्रासाउंड, यानी कि हमने देखे थे मेथड्स गर्भपात के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, उसमें ये एक टेस्ट था अल्ट्रासाउंड, इसकी मदद से इसकी जानकारी ली जाती है कि जो भ्रूण है उसमें जो दिल की धड़कन है वो चल रही है या नहीं चल रही, सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। तो ये जो भ्रूण होता है, अगर इस भ्रूण की दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा था उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जब इसका पता ना चले या फिर कोई भी लक्षण या कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे महिला को, तो इसका अर्थ है कि इस प्रकार का जो मिसकैरेज है वो मिस्ड मिसकैरेज कहलाता है। दूसरा टाइप हो सकता है कंप्लीट मिसकैरेज। इस समय यानी फिर इस गर्भावस्था में जो महिला का गर्भाशय होता है, गर्भाशय यानी कि यूटेरस, जहाँ पे जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका परिवर्धन होता है, यानी कि ये वो जगह होती है जहाँ पे भ्रूण को स्थित किया जाता है और उसका परिवर्धन होता है, यानी परिवर्धन यानी कि उसका विकास होता है। इस गर्भपात में महिला का जो गर्भाशय है या फिर यूटेरस है वो खाली हो जाता है। ऐसे में महिला रक्तस्राव का अनुभव करती है। रक्तस्राव यानी कि रक्त का सिक्रेट होना, रक्त का बाहर निकलना, और भ्रूण के ऊतक को पारित करती है। महिला का डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से पूर्ण गर्भपात की पुष्टि कर सकता है,
यानी कि जब महिला प्रेगनेंसी है, महिला की प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे कभी कभी क्या हो जाता है कि जो महिला की जो गर्भाशय होती है उसका जो यूटेरस है उससे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब उसे महसूस हो कि उसके बॉडी में ब्लड फ्लो शुरू हो रहा है तो हम डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं, फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से टेस्ट करके बता देता है कि उसके में जो ब्लड सिक्रेट हुआ है, ब्लड का फ्लो स्टार्ट हुआ है, वो किस वजह से हुआ है। और जब इससे पता चल जाता है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं कि उनमें क्या हो चुका है, कंप्लीट मिसकैरेज हो चुका है। यानी कि अगर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे मिसकैरेज हुआ है तो वो है मिस्ड मिसकैरेज। अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और कौन सा सिम्टम्स, रक्त स्राव का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा है, कंप्लीट मिसकैरेज। फिर तीसरा है आवर्तक गर्भपात यानी कि रिकरंट। रिकरंट मिसकैरेज क्या होता है, यह लगातार 3 गर्भपात को संदर्भित करता है। यानी कि किसी भी महिला के लगातार 3 बार अगर गर्भपात हो चुका है तो उसे हम लोग कहते हैं रिकरंट गर्भपात। यह लगभग 1% जोड़ों को प्रभावित करता है। यानी कि अगर जो हज़ारों लोग होते हैं, 1000 में से किसी 1% जोड़े यानी किसी एक जोड़े को इस प्रकार का मिसकैरेज पाया जाता है। फिर है अगला गर्भपात का खतरा, थ्रेटन्ड मिसकैरेज। इस प्रकार के गर्भपात में क्या होता है कि इसमें गर्भाशय की ग्रीवा बंद रहती है, लेकिन ऐसे में भी खून बहता है और श्रोणि में ऐंठन का अनुभव होता है। गर्भावस्था आमतौर पर बिना किसी समस्या के जारी रहती है। महिला की गर्भावस्था में देखभाल, डॉक्टर महिला की शेष गर्भावस्था के लिए आपकी अधिक बारीकी से निगरानी कर सकता है। यानी कि इसमें कब पता चल जाता है महिला को ऐसा अनुभव होता है कि उसकी बॉडी में क्या बह रहा है, उसके जो गर्भाशय वाला क्षेत्र है वहाँ पे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसकी जो श्रोणि मेखला होती है यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे ऐंठन प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इससे फिर पता चल जाता है कि महिला में क्या हो गया है, अचानक डर उत्पन्न होने लग जाता है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, थ्रेटन मिसकैरेज। यानी कि जो थ्रेटन मिसकैरेज होता है, इस प्रकार के मिसकैरेज में महिला को एक कमर से नीचे वाले हिस्से में ऐंठन शुरू हो जाती है, दर्द प्रारंभ हो जाता है और उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, उसी तरीके से थ्रेटन मिसकैरेज में भी खून बहना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और कमर के निचले हिस्से में ब्लड जो ऐंठन है उसका अनुभव होता है और इस प्रकार का जो मिसकैरेज है वो थ्रेटन मिसकैरेज कहलाता है। फिर है इनेविटेबल मिसकैरेज यानी कि अपरिहार्य गर्भपात। इस प्रकार के गर्भपात में महिला को रक्तस्राव होता है यानी कि ब्लीडिंग होती है और ऐंठन भी होती है, ऐंठन कमर के निचले हिस्से में दर्द प्रारंभ हो जाता है और महिला का जो गर्भाशय की ग्रीवा है यानी कि जो हमने यूटेरस हम लोगों ने जब इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने डायग्राम देखा था, ये थी हमारी फेलोपियन ट्यूब्स थी दो और ये था यूटेरस वाला हिस्सा। तो इसकी जो नाल होती है यानी कि ये वाली जो नाल है जिसको वेजाइना से ये कनेक्ट करके रखता है यूटेरस को, वो क्या हो जाती है, फैलना या फिर खुलना शुरू हो जाती है और ऐसे में एमनियोटिक द्रव का रिसाव हो जाता है और इसमें एक पूर्ण गर्भपात की संभावना रहती है। यानी कि जब ये जो यूटेरस है, यूटेरस से कोई लक्षण हमें नहीं मिले तो है वो हमारा मिस्ड मिसकैरेज और जब हमें लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाए तो वो है हमारा थ्रेटन मिसकैरेज। और थ्रेटन मिसकैरेज में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है लेकिन ये जो पार्ट होता है, ये जो वेजाइना वाला श्रोणि मेखला वाला पार्ट होता है, ये बंद रहता है। लेकिन जो हमारा इनवर्टिबल मिसकैरेज होता है इसमें रक्त स्राव भी होता है यानी कि ब्लीडिंग होती है, जो गर्भाशय की जो ग्रीवा नाल है ये ओपन रहती है। तो इस प्रकार का जो मिसकैरेज होता है वो हमारा कहलाता है अपरिहार्य गर्भपात। तो हम लोगों ने 5 टाइप के गर्भपात देखे। पहला है मिस्ड मिसकैरेज, इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। फिर पूर्ण गर्भपात यानी कि गर्भाशय खाली हो जाता है, सिर्फ ब्लीडिंग का फील होता है कि ब्लीडिंग हो रही है। फिर आवर्तक ये सिर्फ 1% लोगों में होता है और जब लगातार 3 बार मिसकैरेज हो जाता है तो उसे हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। और थ्रेटन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन जो नाल है वो बंद रहती है और जब नाल ओपन रहती है तो इसे कहते हैं अपरिहार्य गर्भपात। फिर हम लोग देखते हैं ये किन कारणों से होते हैं या फिर इनके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग लक्षणों की बात करते हैं कि ये जो अगर मिसकैरेज वगैरह ये कितने भी टाइप के मिसकैरेज हैं अगर ये हो चुके हैं या फिर बॉडी में हो गए तो महिला को कैसे पता चलेगा कि उनके बॉडी में उनका मिसकैरेज हो गया है, वो अब प्रेग्नेंट नहीं है। तो इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं। सबसे पहला है ब्लीडिंग होती है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टाइप पढ़े उनमें कैसे पता चला था, ब्लीडिंग के थ्रू पता चला था। बॉडी में एक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जब ब्लीडिंग हो जाती है जो सामान्य से गंभीरता की ओर ले जाती है, यानी कि जब
ये जो मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज अगर स्टार्टिंग फेज में हुआ है उन्हें पता चल रहा है, तो स्टार्टिंग में तो क्या होगी, सामान्य स्थिति में ब्लीडिंग होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये गंभीर होती जाती है, यानी कि पहले थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, फिर ब्लीडिंग की मात्रा बढ़ने लग जाती है, और भूरे रंग के उत्तक या फिर रक्त के थक्के में भी पास कर सकते हैं। फिर यह बॉडी में ऐठन होती है, पेट दर्द प्रारंभ हो जाता है, आमतौर पर मासिक धर्म में ऐठन से भी बदतर, यानी कि जो नॉर्मली महिलाओं को जो पीरियड्स में पेन होता है उसी टाइप का पेन कमर के निचले हिस्से में और पेट दर्द, यानी कि पेट से नीचे वाले हिस्से में और कमर के नीचे वाले हिस्से में जो दर्द होता है उससे भी कहीं ज़्यादा दर्द इस समय उन्हें दिखाई देता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द जो हल्के से लेकर गंभीर हो सकता है। नॉर्मली जो पीरियड्स पेन होता है कमर के नीचे वाले हिस्से में वो स्टार्टिंग में हल्का रहेगा यानी कि कम रहेगा, और फिर धीरे धीरे यह पेन बढ़ता जाता है। गंभीर दर्द जो महामारी यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है यानी कि मासिक धर्म होता है पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी गंभीर होगा, यानी कि जो पेन पीरियड्स के टाइम होता है उससे भी जब कहीं ज़्यादा का पेन होने लगे तो वो किसके सिम्टम्स हैं, मिसकैरेज के सिम्टम्स होते हैं। गर्भावस्था के सामान्य लक्षणों में कमी आ जाती है, यानी कि जो नॉर्मली हम लोगों ने देखा था कि गर्भवती स्त्री की जो देखभाल कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि महिलाओं को केयर किस तरीके से करनी है, जो उन्हें सिम्टम्स आ रहे थे, हेडेक हो रहा था, मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, परनिशियस जो वॉमिटिंग हो रही थी वगैरह, अगर ये सारे सिम्टम्स कम होने लगे ठीक है तो हमें क्या समझ लेना चाहिए कि उनका क्या हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है। रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें बदलाव और कमजोरी, यानी कि ब्लड प्रेशर में बदलाव यानी कि ब्लड प्रेशर चेंज होने लग जाता है और शरीर में वीकनेस आ जाती है। सामान्य से लेकर गंभीर बुखार, यानी कि जो नॉर्मली है क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फीवर भी आ जाता है, नॉर्मली कम रहेगा लेकिन कभी कभी बढ़ भी सकता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें महिलाओं को मानसिक समस्याएँ भी हो सकती है, यानी कि ये बहुत रेयर केस होता है, हजारों में से हजारों लाखों में से किसी एक दो महिलाओं को होता है ऐसे कि अगर किसी का मिसकैरेज हो चुका है तो अगर ये सारे सिम्टम्स दिखाई न दे तो इसका असर महिला के मानसिक समस्याओं पर भी यानी कि दिमाग पर भी असर करता है, जैसे कि उनका मूड बदलना शुरू हो जाता है, टेंशन रहती है, गुस्से यानी कि मूड स्विंग्स आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो हम नॉर्मली प्रेगनेंसी में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लक्षण देखे थे जिसमें हम लोगों ने बात की नॉर्मली जो ब्रीडिंग सब में होती है, पेट दर्द यानी कि जो पीरियड्स के टाइम पेन रहता है उसी तरीके का पेन रहता है कमर के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में, और पीरियड्स से भी कहीं ज़्यादा दर्द रहता है। अगर ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हमें क्या समझ लेना चाहिए कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, डॉक्टर से जाके चेकअप करवाना चाहिए कि मिसकैरेज है या नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि यह किन कारणों से हो सकता है, यानी कि मिसकैरेज ऐसे अपने आप तो होता नहीं, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा उसके वजह से। सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोनल असंतुलन। अब हार्मोनल असंतुलन क्या होता है, यानी कि हम लोगों ने देखा था कि प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन रिलीज होते हैं LH, FSH, और हम लोगों ने देखा था एस्ट्रोजन। ये हार्मोन थे जो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब इस तरीके की ये जो हार्मोन है बहुत ही असंतुलित रूप से सिक्रेट होना प्रारंभ हो जाए, यानी कि जितनी मात्रा में चाहिए होते या तो उनसे ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं ग्रंथियों से, या फिर इनसे कम मात्रा में निकलना अगर शुरू हो जाते हैं तो ये क्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस कहलाता है। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि जो महिलाओं का गर्भपात हो जाता है। फिर है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है बॉडी को, हर एक बॉडी के अपने एक रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है, यानी कि हर एक बॉडी में इम्यून सिस्टम पाया जाता है जिनके थ्रू हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो हम उससे लड़ने में सक्षम होते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो फीवर वगैरह होता है, वायरल बुखार होता है या फिर सर्दी जुकाम हो जाता है वो बिना टैबलेट लिए बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इससे अपने आप फाइट कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है महिला में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोगों से लड़ने में उसका शरीर सक्षम नहीं रहता है तो अगर उस टाइम प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला को कोई बीमारी हो चुकी होती है तो अगर उसका इम्यून सिस्टम उससे नहीं लड़ पा रहे तो उसका सीधा असर माँ के गर्भ में पल रहे शिशु पर हो जाता है। फिर है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है, यानी कि वो पैथोजन डायरेक्ट ब्लड को एंटर करता है, ब्लड पे आक्रमण करता है जिसकी वजह से जो ब्लड में क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है, हमारे शरीर में अगर चोट वगैरह लग जाते हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है जो जल्दी से खुल भी जाता है। तो जब महिला में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उसके शरीर में रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है, और जब रक्त का थक्का बन जाता है तो इसको वापस फिट करने के लिए जो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मिसकैरेज की
संभावना रहती है। फिर है थायराइड। थायराइड क्या है? एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो आयोडीन की कमी हो जाती है। और है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर की मात्रा जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये भी हमारे शरीर को क्या करती है, हार्मफुल करती है। और इसका सीधा असर किस पे पड़ता है? गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। गर्भ यानी कि जो भी शिशु है या फिर गर्भावस्था में किसी भी तरह की कोई समस्या है, यानी कि महिला का यूटेरस खराब है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया या फिर और कोई भी बीमारी जिसकी वजह से वह गर्भ उस जगह पे उस गर्भाशय में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाता है कि गर्भपात की संभावना रहती है। बहुत ज़्यादा धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, माँ तभी कहा जाता है कि जितना ज़्यादा माँ हेल्दी रहेगी, माँ हेल्दी फूड खाएगी, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेगी, उनको हेल्दी चीज़ें खिलाई जाएगी, तो उससे जो इसका सीधा असर बेटे पर पड़ता है यानी कि बच्चे पर उसका सीधा असर होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करती है या फिर ड्रिंक करती है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें खाती है जो बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, तो उसका डायरेक्ट असर बच्चे पे पड़ता है। तो अगर माँ के द्वारा प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग की जाती है तो वो बच्चे के लिए घुटन पैदा करती है, सफोकेशन होता है, जिससे वो गर्भपात गिरने की संभावना रहती है। फिर एक क्रोमोसोम की असामान्यता है। क्रोमोसोम तो जानते ही हैं, हर एक मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर इन क्रोमोसोम में इनरेगुलरिटी आ जाती है, यानी कि कभी कभी क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं या फिर 45 हो जाते हैं या फिर 48 हो जाते हैं, तो ये अलग अलग टाइप की क्रोमोसोमल इम्बैलेंस होती है। यानी कि अगर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया तो भी बॉडी में नुकसान होता है, अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो गई तो भी नुकसान होता है। यानी कि अगर क्रोमोसोम में असामान्यता आ जाती है तो वो भी गर्भपात की संभावना को उत्पन्न करती है। फिर गर्भाशय में असामान्यता है, यानी कि जो महिला का गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो गर्भ उस जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर है इम्यूनोलॉजी डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजी यानी कि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे नया लड़ पाना, यानी कि जब हमारा शरीर है उस इम्यूनिटी को कैच नहीं कर पाता है रोगों से लड़ने के लिए, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर यानी कि बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है। और अगर महिला को कोई बीमारी हो जाती है तो वह डायरेक्ट उसी गर्भ में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर माँ को डायबिटीज़ की बीमारी है तो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, अगर उसका जन्म हो जाता है तो उस बच्चे को भी क्या रहेगी? डायबिटीज़ रहेगी। तो ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं ये वंशानुगत होती है, यानी कि महिला को अगर कोई वंशानुगत वाली बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, तो वो डायरेक्ट किस में जाएगी? बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये सिम्टम्स है या फिर ये कारण है जिनकी वजह से गर्भपात की संभावना रहती है। फिर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, यानी कि क्या सावधानियाँ रख सकते हैं कि गर्भपात की जो ये समस्या है ये कम से कम हो जाए या फिर हम इसे कम कर पाए, रोक सकें। तो गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर की सलाह के बिना, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के हमें किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन या दवाई उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, मॉर्फिन वगैरह से बने होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं उनमें कई प्रकार के ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो महिला के साथ साथ उसमें गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं किसी भी अच्छे डॉक्टर से, रेगुलरली विटामिन और फोलिक एसिड से भरपूर भोजन या नमक या खुराक की सलाह लें। यानी कि अगर हमारे जो रेगुलर डॉक्टर होता है जिनसे हम चेकअप वगैरह करवाते हैं, उस डॉक्टर से जो रेगुलर के लिए विटामिन की टैबलेट और जो हमारा फूड होता है, जो महिला को भोजन दिया जाता है उसमें जो फोलिक एसिड होता है, जो विटामिन होते हैं, उनसे भरपूर भोजन खाने की सलाह देनी चाहिए। और अगर एक बार गर्भपात हो जाए, यानी कि एक बार मिसकैरेज हो जाए, तो उसके बाद की प्रेगनेंसी के लिए उस महिला को अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सेवन करने से बचना चाहिए। अगर हम ये सारे टॉपिक्स या फिर ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिसकैरेज को कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था गर्भपात, इसके प्रकार, इसके लक्षण, इसके कारण और हम लोग क्या सावधानियाँ रख सकते हैं, तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट 3rd थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यूनिट 3rd में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मानव जो जनन तंत्र होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और हम लोगों ने बात की थी कि गर्भवती स्त्री की देखभाल किस तरीके से की जाती है, और इस देखभाल के बाद हम लोगों ने देखा आज मिसकैरेज के बारे में, यानी कि अगर वो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसे रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से गर्भ गिर जाता है, कितने टाइप से होता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और हम लोग क्या सावधानियाँ रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट 3rd थी ये कम्प्लीट हो चुकी है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपनी नई यूनिट और नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए घर पे पढ़ते रहिए और धन्यवाद।